सब्सक्राइब बटन से क्लिक करो ते बैल आइकन से क्लिक करना ना भूलो ट्रू मैन दी खबर सब तो पहला देखने लई। दोस्तों आज मैं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा वां GST दे उत्ते। तुसीं सारयां ने सुन लिया देख लिया कि लगभग सारे देश ने GST अडोप्ट कर लिया वा, सारियां स्टेट असैम्बलियां ने बिल पास कर दिता इस टैक्स के हक विच, क्योंकि दिल्लियों बहुत वड्डा दबाव सीगा कि वन नेशन वन टैक्स। पहला मल्टीपल टैक्सेशन सीगी, थोड़ी बहुत ही लोगों को हैरानगी भी सी, लेकिन ये दो तीन पक्ष जिहड़े ने वो मेरे हिसाब के नाल अखो परोखे किए गए हैं। उन्होंने इंपोर्टेंट पक्ष ये सीगा कि सब तो पंजाब वर्गी स्टेट को जिहड़ी इहदी फिस्कल अटोनमी है, जिहड़ी आर्थिक अटोनमी है, जिहड़ा साडा अधिकार सीगा, क्योंकि अकाली जिद्दां कह रहे सीगे बादल साहब सारी जिंदगी ला दित्ती कि सानू वध अधिकार चाहिए आ, सानू फैडरल ढांचा चाहिए वा, पर यह जिहड़ा GST लागू किया गया इसने तो आर्थिक अधिकार होर खोले ने, सारा कुछ सेंट्रलाइज करता, सारा कुछ दिल्ली कोल चले गया। ये जिहड़ा सूबियां दे कोल कोई टैक्स लाने का अधिकार नहीं रह गया, कोई म्युनिसिपैलिटियां अपना कोई प्रॉपर्टी टैक्स या छोटा मोटा टैक्स को ला सकदियां, स्टेट दे कोल किसी तरह का कोई स्टेट वाइड टैक्स लाने का अधिकार जिहड़ा वा वह केंद्र ने खोलिया। दैट मीनस साडी फिस्कल अटोनमी, साडी आर्थिक जिहड़ा साडा अधिकार सीगा, साडी आर्थिक आज़ादी सी जिहड़ी सूबियां दी, वह इस टैक्स के नाल खुस गई है। बहुत सारे देशों के सूबे ने जिन्हां ने GST नूं अडोप्ट नहीं किया, उन्होंने अपना टैक्सेशन सिस्टम ही रखा, जिहड़े विकसित मुल्क ने, लेकिन सानूं इत्थे करना पिया क्योंकि प्रचार ही इन्ना ज़्यादा हो गया सीगा और ऐ लगता सीगा कि GST जिहड़ा एक किस्म का एक धर्म का काम बन गया कि GST जरूर करना। और मैं दुख ना कहना पैंदा वा कि जिद्दन पंजाब की विधानसभा जिहड़ा हुणे सैशन जिहड़ा सारा पग्गां लत्तियां बुरी हालत होई, उहदे विच कमर संधू साडे जिहड़े बहुत अच्छे MLA ने खरड़ तो, उन्होंने GST के उत्ते पूरी बहस वास्ते खलड़ा तैयार किया होया सीगा, असीं तां सारे बाहर ही सी कड्ढे होए सीगे। संधू साहब ने अपने पूरे विचार रखे, उन्होंने सारियां गल्लां कहियां कि तुसीं साडी आर्थिक आज़ादी मार रहे हो, सारा कुछ उत्थे केंद्रित कर रहे हो, बहुत सारियां गल्लां एग्रीकल्चर नाल रिलेटिड कहियां। और मेरा ख्याल आ 15 मिंट विच बहस करा के पंजाब की विधानसभा के सब तो अहम बिल जिन्हें कि एक इंपैक्ट पाउणा इकोनमी के उत्ते, ना सिर्फ देश की इकोनमी के लेकिन साडे सूबे की इकोनमी के उत्ते इंपैक्ट पाउणा, वो सारियां गल्लां मुका के ओ गए। हुण गल मैं करना चाहुंदा वां पेट्रोल पंप ते, इस लई खड़ा वां कि सब तो इंपोर्टेंट जिहड़ा एक वड्डा सेल परचेज का काम है सारी और खपत आ, वो हैगी आ डीजल ते पेट्रोल दी। तुहानूं सारयां नूं पता होना चाहिए कि डीजल ते पेट्रोल दे उत्ते GST नहीं लागू किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि डीजल पेट्रोल ते GST लगभग 57% हो सकता, मैं परसेंटेज थोड़ी बहुत ही खराब गलत कहना होवां, लेकिन GST बहुत हाई है क्योंकि वो वैट है और GST वैट है ते नाल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आ तेल डीजल ते पेट्रोल ते, और जिस करके कीमत बहुत ज़्यादा ने, जिहड़ा अज कीमत ने डीजल दियाँ ते पेट्रोल दियाँ इंडिया विच इहदों कई इहदों कितें ही सस्ता सारे अमेरिका विच कैनेडा विच पेट्रोल ते डीजल है, लेकिन एक गरीब मुल्क विच जिहड़ा आम खपत है सारयां दी खेती समेत ट्रांसपोर्ट समेत आम इंडिविजुअल दी, उहनां दी खपत लई जिहड़ी चीज़ दित्ती जाणी उह सब तो महंगी है। और जे किते GST लाया जावे डीजल ते पेट्रोल दी सेल ते, क्योंकि GST दी मैक्सिमम स्लैब जिहड़ी आ 28% है, हुण कित्थे 57% लाया जा रहा डीजल दे उत्ते टैक्स वैट ते सेंट्रल एक्साइज, ते जे GST दे थल्ले लिआंदा जांदा तां सिर्फ 28%। इहदा मतलब मेरा अपना मनना वा कि लगभग 40% डीजल ते पेट्रोल सस्ता हो सकता इंडिया दे विच अगर ये सारे पेट्रोलीयम प्रोडक्ट्स नूं GST दे थल्ले लिआंदा, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह नहीं किया। असल जिहड़ा लोगों नूं एक डायरेक्ट बेनीफिट देना सीगा, वैसे भी कच्चे तेल दीआं कीमतां जिहड़ियां ने उह सारी दुनिया दे विच इंटरनेशनल प्राइसिस अज दी डेट बहुत लो ने, आई कैन नॉट कोट एग्जैक्ट रेट ऑफ ऑयल पर बैरल कि किन्ने डॉलर्स ने, लेकिन अज दी डेट विच इंटरनेशनल मार्केट विच कच्चे तेल दीआं क्रूड ऑयल दीआं कीमतां बहुत थल्ले ने। जे इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो डीजल ते पेट्रोल ये मैं दस रहा 30-40% अज दी डेट विच सस्ता हो सकता, लेकिन वो फायदा नहीं दिता गया लोगों को, तो GST एक किस्म का थोपया गया। और हुण गल मैं कर दिंदा थोड़ी जी ब्रीफली एग्रीकल्चर की।
एग्रीकल्चर में बहुत सारिया आइटम्स ने खाद वगैरह तो उन्होंने थोड़ा रिव्यू किया वा, लेकिन ट्रैक्टर्स मशीनरी से जिहड़ियां रोज़मर्रा दियां चीज़ां ने एग्रीकल्चर दियां उन्होंने भी जी एस टी बहुत हाए आ। और एक होर बड़ी चिंता का विषय जिहड़ा क्योंकि हले जी एस टी की कलैरिटी नहीं आ रही, हले दुकानदार भी दुविधा च ने, कंज्यूमर भी दुविधा च है, हले पता नहीं लग रहा एग्जैक्टली वॉट्स हैपनिंग। आई थिंक थोड़े हफ्तिया या हो सकता एक दो महीनों बाद एग्जैक्टली तस्वीर क्लीयर होगी, लेकिन एक गल जरूर नज़र आ रही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी जी एस टी लागू होगी, टैक्स लगेगा। पंजाब में कोई 35-40% लोग गैर हाजिर ने, उन्होंने अपनी जमीन ठेके दे दित्तियां हुई ने, उन्होंने टैक्स लगेगा जिहड़ा कि बिल्कुल मारू होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर तो अज की डेट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खेत मजदूर मर रहा, करजा करोड़ा रुपए का, 1,00,000 करोड़ का करजा पंजाब के किसानों के, जे आप उन्होंने होर टैक्स लाता तो गल किधर जाएगी। इसलिए मैं जो समझदा वा जम्मू कश्मीर ने अडोप्ट नहीं किया, मैं समझता कि पंजाब में इस बहुत अच्छे तरीके बहस करवानी चाहिए, भावें एक पूरा दिन दो दिन ला देंगे असेंबली दे 15 मिनटों बिल पास करके जी एस टी का, तो मोदी साहब को इन्होंने सलाम कर दी है। ये इंपैक्ट्स आने वाले समय से पता लगेगा, मैं लगता कारोबार भी कुछ सौखा नहीं गा, इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीडियम स्केल इंडस्ट्री ये सारे के इंपैक्ट्स आने वाले समय के पता लगेंगे। सो अज मैं थोड़े नाल जी एस टी के उत्ते और पर्टिकुलरली जी एस टी दीमत जी एस टी के दायरे में डीजल के पेट्रोल क्यों नहीं लिया गया तुम्हें दसना चाहता सगा, तो यू क्यों बाहर रखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कमा सके, ये बेनीफिट जरा सस्ता डीजल के पेट्रोल लोगों तक ना पहुँच सके। साड़िया कीमत अमरीका जोड़ा कि साढ़े नौ अमीर मुल्क है, उत्थे डीजल पेट्रोल साढ़े नौ सस्ता वा, वाई नॉट इन इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यह बेनीफिट जरा वा आम कंज्यूमर को पास किया जाए। और बहुत सारी गल्ला, लेकिन अच्छ समा इन्ना ही मेरी बेनती है प्रवान करनी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।